फ्रेंड्स, आई एम संदीप, दिस इज मैकेनिकल सॉल्यूशन। आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हीट ट्रीटमेंट मेथड की। चैप्टर का नाम था हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कई सारे प्रोसेस बता दिए हैं। आज हम बात करेंगे केस हार्डनिंग की। पिछला वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे मेथड्स, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में बता दिया है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट हार्डनिंग प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हुआ है केस हार्डनिंग, हम केस हार्डनिंग की बात करेंगे और उसके मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केस हार्डनिंग, ठीक है दोस्तों। देखिए, हार्डनिंग हम आपको बता दिए थे। हार्डनिंग क्या बताए थे कि जो टेम्परिंग प्रोसेस में जो कुछ डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ब्रिटिलनेस ज़्यादा हो जाती है या हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है। ये वीडियो आप देख सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ऐसे ही केस हार्डनिंग होता है। केस हार्डनिंग का हिंदी का मतलब ये होता है कि जो स्टील होती है, जिस चीज़ को हमको कठोर करना है, जिस मेटल को, उसके सरफेस को हम हार्ड करते हैं, ठीक है, ताकि और उसकी टफनेस को भी बढ़ाते हैं। तो केस हार्डनिंग का जो हिंदी वो है सतही कठोरीकरण, मतलब कि सरफेस को ही हम हार्ड करते हैं कुछ एमएम की गहराई तक, और उसके जो नीचे वाला भाग होता है, जो सतह के नीचे वाला भाग है, वो सॉफ्ट ही रहता है। तो केस हार्डनिंग में हम मेनली हम लो कार्बन स्टील को ही हार्डनिंग करते हैं। उसका हार्डनेस, जो सतह का हार्डनेस है लो कार्बन स्टील को, उसको ही इम्प्रूव किया जाता है। क्योंकि जो लो कार्बन स्टील होता है, इसका जो हार्डनिंग प्रोसेस है वह किसी और मेथड द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम लो कार्बन स्टील का केस हार्डनिंग मेथड से हार्डनिंग करते हैं। अब लो कार्बन स्टील आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें कार्बन के परसेंटेज मात्रा 0.3% से कम हो, वह लो कार्बन स्टील होता है। अब जो केस हार्डनिंग है, इसके तीन मेथड होते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग। तो हम एक वन बाय वन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप केस हार्डनिंग समझ गए क्या होता है कि सरफेस को हार्ड करते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है, अंदर का पार्ट, वो सॉफ्ट ही रहता है, ठीक है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का डिफ्यूजन होता है, जिसके कारण वह सतह का कठोरीकरण होता है, ठीक। तो पहले नंबर की बात करते हैं, हम बात करते हैं कार्बोराइजिंग की। कार्बोराइजिंग में क्या होता है, देखिए दोस्तों, कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि हम स्टील को लेते हैं, मेन हम इस्पात की स्टील की बात करेंगे, स्टील को लेते हैं एक एयर टाइट चैम्बर में, कार्बन के एटमॉस्फेयर में, जिसे कहा कार्बन उपस्थित होता है, वहां पे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक स्टील को गर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। बात वहां गर्म करने के बाद वहां 4 से 10 घंटे तक उसको रहने देते हैं। अभी जो समय है दोस्तों, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितने एमएम की गहराई तक सरफेस को हार्ड करना है, ठीक है। ज्यादा हार्ड करना है तो ज्यादा रख सकते हैं, कम हार्ड करना तो कम, लेकिन नॉर्मली 4 से 10 घंटे तक रखा जाता है। इसके बाद क्वेंचिंग मतलब कि रैपिड कूलिंग, या तो ऑयल या तो वाटर में, क्वेंचिंग मतलब होता है रैपिड कूलिंग, जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन कार्बाइड बना लेता है और सीमेंटाइट बना लेता है। और आप लोग पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो सीमेंटाइट होता है और मार्टेनसाइट होता है, यही दो चीज कारण होते हैं हार्डनेस के, ठीक है। जब सीमेंटाइट फॉर्म बन जाता है, सीमेंटाइट बना लेता है कार्बन आयरन के साथ रिएक्शन करके, तो हमारा जो सतह होता है वह कठोर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कार्बोराइजिंग। और इसमें जो एजेंट के रूप में, हार्डनिंग एजेंट के रूप में हम कार्बन का यूज करते हैं, मतलब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है, जो आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन कार्बाइड और सीमेंटाइट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से सरफेस हार्ड हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई कार्बोराइजिंग की। अब देखिए दोस्ती, दूसरी चीज है दोस्तों हमारा नाइट्राइडिंग, ठीक है। नाइट्राइडिंग देखिए, कार्बोराइजिंग मतलब वहां से देखिए आप, कार्बोराइजिंग से कार्बन, नाइट्राइडिंग से नाइट्रोजन, तो यहाँ पे बस कार्बन की जगह नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। और स्टील को जो है कि जब कार्बोराइजिंग के जो टेम्परेचर हमारा कार्बोराइजिंग में था, यहाँ पे टेम्परेचर उसका 1/3 से भी आधा होता है, एक बात याद रखिएगा। जो कार्बोराइजिंग में टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम गर्म कर रहे थे स्टील को, नाइट्राइडिंग में 1/3 से भी आधा टेम्परेचर पे उसे गर्म करते हैं। लेकिन जो समय होता है, जैसे वहां पे 4 से 10 घंटे रख रहे थे, यहाँ पे उससे दुगने समय तक
गर्म करने के बाद रखते हैं, फिर वही प्रोसेस क्वेंचिंग करते हैं, और क्वेंचिंग में जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है अपना NH3 अमोनिया, ठीक है दोस्तों, तो अमोनिया भी रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है जिसके वजह से सरफेस कठोर हो जाती है दोस्तों। तो मेन चीज इसमें याद रखने वाली है क्या है कि हार्डनिंग एजेंट के रूप में हम कार्बन का यूज करते हैं उसमें कार्बोराइजिंग में, और इसमें नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और नाइट्रोजन में जो टेम्परेचर होता है गर्म करने का वो 1/3 से हाफ होता है, गर्म करने के बाद दुगना समय तक रखते हैं, और एटमॉस्फेयर जो है NH3 से प्रेजेंट होता है, ठीक। अब तीसरा बात करते हैं दोस्तों साइनाइडिंग की। साइनाइडिंग भी ऐसे ही होता है, लेकिन साइनाइडिंग में एक चीज और बदल जाती है कि इसमें लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील दोनों के सरफेस को हार्ड किया जाता है। लो कार्बन स्टील हम आपको बता ही चुके हैं कि 0.35% से कम होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन, और जो मीडियम कार्बन स्टील होता है उसमें 0.35 से 0.8% तक होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक। तो आप ऐसे भी डिफाइन इसको लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील को डिफाइन कर सकते हैं। तो साइनाइडिंग में क्या होता है, इन दोनों के सरफेस को हार्ड किया जाता है, लो कार्बन और मीडियम कार्बन। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही स्टील को एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, लगभग 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है दोस्तों। बाद उसके बाद क्वेंचिंग की जाती है कुछ समय रखने के पश्चात, वहां पे गर्म करने के बाद कुछ समय वहां पे रखेंगे, फिर उसके बाद क्वेंचिंग की जाती है। साइनाइडिंग जो है पिघले हुए फॉर्म में होता है दोस्तों, तो साइनाइडिंग भी रिएक्शन करके नाइट्राइड या बना लेता है, जिसके कारण जो सरफेस होती है वह हार्ड हो जाती है। तो बस इतना ही चीज इसमें याद करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, पेपर में आ भी जाता है कभी कभी, कार्बोराइजिंग नाइट्राइडिंग साइनाइडिंग इसमें क्या होता है, ठीक है। तो जो वो हम बताए थे अभी, इसके पहले क्या बताए थे, इसके पहले हम बात कर रहे थे नाइट्राइडिंग के, उसमें मैं टेम्परेचर बताना भूल गया था। जो अमोनिया हम बताए थे कि एटमोसफेयर में अमोनिया होना चाहिए, उस 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिफ्यूज हो जाता है अमोनिया, ठीक है, ये बताना भूल गया था। तो साइनाइडिंग में भी पिघले हुए साइनाइड के प्रेजेंस में स्टील को गर्म करते हैं, उसके बाद क्वेंचिंग द्वारा ठंडा कर लेते हैं, जिसके कारण रिएक्शन होता है और सरफेस हमारा हार्डनेस हो जाता है। साइनाइडिंग का एक और अच्छा